भी बड़ी भारी संख्या के अंदर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि अभी आरती का समय हो गया है, आरती शुरू हो गई है, तो इसलिए जो श्रद्धालु हैं वो बैठ गए हैं, सारे बैठ करके अब आरती हो रही है, आरती का इंतजार कर रहे हैं। आरती होने के बाद सारे श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो आज दुर्गाष्टमी है और दुर्गाष्टमी के मौके के ऊपर आप देख सकते हैं कि बड़ी भारी भीड़, जो कह सकते हैं कि नवरात्रों पर हर साल पहुंचती है, वही भीड़ जो है अब की बार भी यहां पहुंच रही है, और लाखों लोग जो नवरात्रों के ऊपर पहुंचते हैं और पहुंच करके दर्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि माता का जो आशीर्वाद है वो लेने के लिए पहुंचते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि अभी आरती शुरू हो चुकी है, आरती के समय जो है अभी श्रद्धालु जो है वो बैठ जाते हैं, बैठ करके कहीं ना कहीं माता की जो आरती होती है उसका इंतजार करते हैं। तो दुर्गाष्टमी जो है, जो नौ नवरात्र होते हैं उसमें दुर्गाष्टमी का अपना महत्व है, क्योंकि दुर्गाष्टमी के दिन ही आखिरी के जो 24 मिनट थे उसके दौरान जो माता है, दुर्गा माता है, उन्होंने असुरों का संहार किया था, और नवमी जो है, नवमी के शुरुआती 24 मिनट, तो कह सकते हैं कि 48 मिनट जो है, जो दुर्गाष्टमी के आखिरी के 24 मिनट और नवरात्र जो नवमी है उसके शुरुआती 24 मिनट, उनके बीच में ही जो दुर्गा माता है उन्होंने असुरों का संहार किया था। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। आज के दिन कंजक जो है वो भी जिमाई जाती है, वो उनका भी कहीं ना कहीं पूजन किया जाता है, उनको पूरी बनती है, सब्जी बनती है और छोले बनते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे उनको माता को खुश किया जाता है। तो आज के दिन भी लोग व्रत रखते हैं, आज के दिन व्रत खोल लेते हैं, पूरे 9 दिन जब व्रत रखे जाते हैं तो आज के दिन व्रत खुलता है, और कई लोग जो है वो नवमी को व्रत खोलते हैं, अष्टमी को भी खोलते हैं, नवमी को भी व्रत खोलते हैं। तो अपना अपना महत्व है, और अपने महत्व के कारण यहाँ मनसा देवी का बड़ा विशेष महत्व है, जो भी सिद्ध पीठ है उन्हीं में से मनसा देवी एक है, तो इसलिए यहाँ लोग पहुँचते हैं, बड़ी भारी संख्या के अंदर यहाँ लोग पहुँचते हैं और पहुँच करके माता के दर्शनों को आतुर रहते हैं, और माता जो है वो हरेक की मनोकामना पूर्ण करती है। इसी वजह से, और केवल पंचकुला से ही नहीं, जो दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं, वो बात करें पंजाब की, बात करें या हरियाणा के अलग अलग जगहों की, बात करें चंडीगढ़ की, बात करें या और भी दूर दूर जगहों से लोग, श्रद्धालु जो है वो यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं।
काफी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि दुर्गाष्टमी जो है लोग दुर्गाष्टमी को ही जो कंजक जिमाते हैं और इस दिन व्रत का समापन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनसे भी जानते हैं। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए? चंडीगढ़ से हैं। चंडीगढ़ से आए हैं। हर साल आते हैं? हम हर साल आते हैं। हम यूएस चले गए, वहाँ से भी आते हैं हर साल। आप उसे दर्शन करने के लिए माता है। यूएस से दर्शन करने के लिए आते हैं। हम सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं, वहाँ से दर्शन करने के लिए आए हैं। कैसा लगता है यहाँ आकर? मन को शांति महसूस होती है। माता मेहनत पूरी करती है हर बार। माता के दर्शन करते हैं, हमारी देवी है। देख सकते हैं कि यूएस से चले जाते हैं तो यूएस से भी यहाँ दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुँचते हैं। औरों से बात करते हैं, कहाँ से आए आप? पटियाला से। पटियाला से आए हैं? हाँ जी। पटियाला में खुद माँ काली देवी का मंदिर है? बिल्कुल जी, वहाँ भी दर्शन करते हैं। हाँ जी, वहाँ भी करते हैं जी। हम ये हमारी कुल देवी है, मनसा देवी। हम गठ जोड़े की सुख देने आए हैं। ऐसे हर साल आते हैं जी? हाँ जी, हर साल आते हैं। नवरात्रों में माता मनसा देवी के नवरात्रों में हर साल आते हैं। हाँ जी, माता जैसे बात का बुलावा आता है हम पहुँच जाते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि खुद पटियाला से चल करके और यहाँ पहुँचे हैं। कोई जो चंडीगढ़ से चल करके पहुँचे हैं, कह रहे हैं कि यूएस में चले जाते हैं तो वहाँ से भी यहाँ पहुँचे हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफी संख्या के अंदर श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं और माता के दर्शनों को आतुर है। अभी क्योंकि आरती चल रही है, तो आरती चल रही है तो एक बार सब लोग रुक जाते हैं और जो लाइन है, जो श्रद्धालुओं की कतार चल रही है, वो भी एक बार रुक जाती है और रुक करके कहीं ना कहीं माता की आरती होती है और उसके बाद फिर से एक बार कतार शुरू होगी। और कतार शुरू होने के बाद देखिए कि भक्ति में लीन नजर आ रही है जो माता जी हैं, वो कहीं ना कहीं भक्ति में लीन नजर आ रही है। तो माता को रिझाते हुए नजर आते हैं भक्त और अलग अलग तरीके से रिझाते हुए नजर आते हैं। यहाँ मैं बता दूं आपको कि बहुत सारे भंडारे भी चलते हैं और नीचे जो है माता रानी का ये जो दरबार है, इसके नीचे जो है यहाँ जगह है, वहाँ बहुत सारे भंडारे चलते हैं। लाखों श्रद्धालु जो हैं वो भंडारे छकते हुए नजर आते हैं और अलग अलग तरीके से जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भंडारे लगाती है। माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड है, वो भंडारे लगाता है। तो कहीं ना कहीं माता का जो एक आशीर्वाद है वो भंडारे के रूप में मिलता है या अलग अलग तरीकों से मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो लोग लेते हुए नजर आते हैं। तो अब आरती का समय है और आरती काफी लंबी होती है और क्योंकि ये देखिए कि पूरा जोर शोर लगा करके और जो घंटी बजाने का काम है वो श्रद्धालु करते हैं। पूरा दमखम लगता है घंटी बजाने के अंदर और वो पूरा दमखम लगा करके श्रद्धालु जब तक आरती चलती है